सो हम लोग इस जर्नी को शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं लाओत्से के एक स्टेटमेंट से, वन ऑफ द फाइनेस्ट मास्टर्स ऑफ द यूनिवर्स, उनका एक स्टेटमेंट है। वो ये कहते हैं कि तीन तरह के लोग होते हैं। पहला वो जो जिनको हम लोग सुपीरियर बोल सकते हैं, सुपीरियर इंटेलिजेंट, अगर आप उनसे स्पिरिचुअलिटी की बात करो, गॉड की बात करो, ताओ की बात करो, तो उसको एम्बॉडी करना शुरू कर देते हैं, उधर चलना शुरू कर देते हैं, उस पाथ को फॉलो करना शुरू कर देते हैं। दूसरा जो क्लास होता है जिसको एवरेज माइंडेड पर्सन बोलते हैं, वो कहते हैं अगर उनसे आप ताओ की बात करो, गॉड की बात करो, तो वो 50% तो ट्रस्ट करते हैं कि बात तो थोड़ी ठीक लग रही है, 50% डाउट करते हैं। वो कहते हैं थर्ड एक क्लास होता है जिसको बोलते हैं फुलिश पीपल होते हैं, अगर उनसे आप गॉड की बात करो, स्पिरिचुअलिटी की बात करो, तो आपके ऊपर हंसेंगे, और अगर वो नहीं हंस रहे हैं तो इसका मतलब आपने गॉड की बात की। सो ये एक स्ट्रॉन्ग और बहुत प्रैक्टिकल मैसेज है जो फिल्टर कर देता है। जो लाइफ में कोई ऐसी चीज नहीं है जो सबके लिए हो, क्योंकि हर एक पर्सन अलग अलग प्लेन पे है, और ये लाइफ की सबसे मिस्टीरियस साइंस है। सबसे बड़ी जो अचीवमेंट होती है ना, वो हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ होती है। जब हम बच्चे छोटे होते हैं खिलौनों के साथ खेलते हैं, जब बड़े होते हैं तो फिर जो खिलौने के साथ खेल रहे थे उसी का जो एक्चुअल वर्जन उसके साथ होता है। तो लाइफ में इस तरीके से अनफोल्ड होती है। ग्रोथ चार तरह के लोग होते हैं, जैसे हिंदुइज्म में जो चार योग बताया गया है, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, साक्षी योग, उसको हम ऐसे कम्युनिकेट कर रहे हैं कि चार तरह के लोग होते हैं। कुछ ऐसे लोग जो एक्शन लवर होते हैं, कर्म प्रेमी होते हैं, वो कहीं कुछ भी करें लेकिन उसमें अपना कर्म ढूंढते हैं, उनको एक्शन चाहिए होता है। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो ज्ञान, जिसको ज्ञान योग से जो बिलोंग करते हैं, वो ना नॉलेज के थ्रू कुछ भी करेंगे ना, वो लर्निंग नॉलेज नॉलेज लवर होते हैं। थर्ड वो लोग होते हैं जो भक्ति योग वाले होते हैं। भक्ति योग का मतलब ये लोग ना महसूस करना चाहते हैं, तो इनको ना तो कर्म का पागलपन होता है, ना तो ये ज्ञान के बहुत खोजी होते, ये ना बस महसूस करना चाहते हैं, बस ये फील करना चाहते हैं। फोर्थ है साक्षी योग। तो साक्षी योग जो है वो जो पूरा फोकस है वो अवेयरनेस पे है। वो कहता है कि नहीं, हम कुछ भी करेंगे हम उसको देखेंगे, हम सीयर बनेंगे, हम डूअर नहीं बनेंगे, सीयर बनेंगे। ये चारों क्लास के लिए जो भी आज हम लोग का जो पूरा सेशन है, हमने कोशिश किया कि सबको हम टच करें और सबको इसमें इन्वॉल्व करें। अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग के सामने, दैट इज हाउ टू बी ऑन द पाथ ऑफ स्पिरिचुअल ग्रोथ। क्वेश्चन है हाउ टू बी ऑन द पाथ ऑफ स्पिरिचुअल ग्रोथ। यहाँ पे दो वर्ड है, एक स्पिरिचुअल और एक ग्रोथ। सो एक बात समझिए आप, जैसे हिंदुइज्म में या हर एक रिलीजन में ना एक वर्ड यूज होता है, धर्म अधर्म। जो वर्ड है दो वर्ड है, एक है धर्म और दूसरा है अधर्म। ये जो हम लोग के सामने ये वर्ड्स आए हैं ना, हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, इस्लाम धर्म, ये ना पॉलिटिशियंस की खोज है ये। और देखिए जो हम लोग की जो सोसाइटी में जो पावरफुल एंटिटी है, जो पावरफुल लोग हैं, वो अपने पावर को बढ़ाने के लिए ना कुछ एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, और वो कुछ भी करते हैं। वो अपने आउटकम के लोग, अपने गोल को अटेन करने के लिए वो कुछ भी करते हैं, जिसका जो गोल है। और वहीं पे दो जो इंसान है वो दो हिस्से में बढ़ जाता है। कुछ वो जो कंस्ट्रक्टिव लोग होते हैं, जो पॉजिटिव एनर्जी वाले होते हैं, जिनमें रजस एलिमेंट डोमिनेट करता है, कुछ वो जिनमें तमस एलिमेंट डोमिनेट करता है। तो हाउ टू बी ऑन द पाथ ऑफ स्पिरिचुअल ग्रोथ। देखिए जो लाइफ है हम लोग की, जो हम लोग की जो लाइफ है, उसमें दो तीन पॉसिबिलिटी हो सकती है हमारी। पहली पॉसिबिलिटी ये कि हम जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ रही है, हम ग्रो कर रहे हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं, पहली पॉसिबिलिटी ये होती है। दूसरी पॉसिबिलिटी ये होती है कि जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है हमारा, देखिए हमारी उम्र तो बढ़ रही है, हर दिन हम एक दिन बड़े हो जाते हैं, हमारी जो बायोलॉजिकल एज है वो तो ग्रो कर रही है। तो या तो आप अपग्रेड कर रहे हैं, या तो आप आगे बढ़ रहे हैं, या तो आप नीचे जा रहे हैं। स्टैग्नेंट हम रह ही नहीं सकते। लाइफ का ऐसा नेचर है कि कोई पॉसिबल ही नहीं है कि आप जिस प्लेन पे थे उसी प्लेन पर रहे, ऐसा हो ही नहीं सकता। लाइफ हर दिन चेंज हो रही है। तो अगर आप राइट वे में ग्रो कर रहे हैं, देखिए स्पिरिचुअल ग्रोथ कोई अलग से ग्रोथ नहीं होती है। मान लीजिए अगर आप फाइनेंशियली भी ग्रो कर रहे हैं तो भी आप स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हैं, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी कोई अलग एरिना नहीं है, ये सारे इंटर रिलेटेड है। जैसे हम लोग सिक्स एलिमेंट की बात करते हैं, हमारी फिजिकल हेल्थ, हमारी मेंटल हेल्थ, हमारी इमोशनल हेल्थ, हमारी सोशल हेल्थ, हमारी फाइनेंशियल हेल्थ और हमारी स्पिरिचुअल हेल्थ। तो जो हमारी जो स्पिरिचुअल ग्रोथ है ना, वो कोई ऐसा नहीं है कि उसका इन सबसे कोई मतलब नहीं है, उनका इन सबसे मतलब है। तो अगर आप लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, सही तरीके से ग्रो कर रहे हैं, तो आप स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हैं। और सही तरीके से ग्रो करने का मतलब समझिए, जैसे अगर ये जो हम लोग के जो सिक्स आस्पेक्ट होते हैं उसी टर्म्स में अगर बात करें, अगर आपकी फिजिकल हेल्थ अच्छी है, अगर आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी है, जो भी खराब है आपको उसको ठीक करना होगा। अगर आप इमोशनली, अगर आपकी इमोशनल हेल्थ अच्छी है, आपके रिलेशनशिप अच्छे हैं, आपकी फाइनेंशियल हेल्थ अच्छी है, अगर आपका ये सब इम्प्रूव हो रहा है विथ टाइम, विथ राइट मींस, सही रास्ते पे चलती, अगर आप इन पांच पे टाइम से धीरे धीरे स्ट्रांग हो गए, तो आप बहुत स्पिरिचुअली स्ट्रांग हो गए। और जब आप इन पांच पे स्ट्रांग हो गए, तो आगे इन पांचों की हेल्थ को मेंटेन करने के लिए और आगे की जर्नी में फिर आपको स्पिरिचुअल अरीना में एंटर करना पड़ेगा। कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिसका आंसर स्पिरिचुअल एरिना में ही मिलता है,
कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं, कुछ ऐसी बातें होती हैं, कुछ ऐसे विजडम होते हैं जिसका आंसर हमें स्पिरिचुअल अरीना में ही मिलता है, बाकी अरीना में उसका आंसर एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो अगर आप ग्रो कर रहे हैं, अगर आप सही रास्ते पे हैं, अगर आप ग्रो कर रहे हैं तो आप स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हैं। एवरी फॉर्म ऑफ ग्रोथ इज स्पिरिचुअल ग्रोथ। स्पिरिचुअल ग्रोथ कोई अलग चीज नहीं है कि कोई अलग सा एलिमेंट नहीं है, ये हर एक चीज से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ टू कंट्रोल इमोशन। देखिए वो हम लोग का अपने इमोशन को कैसे कंट्रोल करना है, अपने माइंड को कैसे कंट्रोल करना है, इन सब के लिए हम लोग ऑलरेडी जो 5 स्टेप का प्रोसेस है हम लोग वहां पर चीज डिस्कस करते हैं, यहाँ पे हम लोग वो बातें नहीं करेंगे। विल देयर बी एनी क्लैश विथ माई अर्लियर प्रैक्टिस। अगर मैं ये सेशन अटेंड करता हूँ, मैं ये स्पिरिचुअल सेशन अटेंड करता हूँ तो मेरे पुराने प्रैक्टिसेस से क्लैश तो नहीं होगा? क्लैश तो आपकी पर्सनैलिटी के अंदर है। जो क्लैश है ना, जो रियल क्लैश है, वो तो आपके ब्रेन के अंदर है। और ये आपका रियल पर्पस क्या है, लाइफ में ग्रो करना, पीस अटेन करना, या पुरानी प्रैक्टिस का हिसाब किताब रखना? पुरानी तो कितनी प्रैक्टिसेस है, किसका किसका आप हिसाब किताब रखोगे? और लाइफ में ग्रो करना होता है, और पुरानी प्रैक्टिस से अगर आपकी जर्नी कंप्लीट हो गई होती तो फिर आपकी खोज ना बंद हो गई होती, फिर आप खोजना बंद कर दिए होते। सो ये एक कमजोर क्वेश्चन है। कुछ लोग क्या होता है ना कि अपने जो भी हम लोग जो टेक्निक प्रैक्टिस करते हैं, जो मेडिटेशन करते हैं, या जो भी चीजें, जो भी रिचुअल प्रैक्टिस करते हैं, हम उसी में चिपक जाते हैं। हम भूल जाते हैं कि मंजिल कुछ और है, हम समझ लेते हैं कि हम उसी से ना हमें प्यार हो जाता है। सो वो एक गलत अप्रोच है, वो एक गलत अप्रोच है मेरे हिसाब से। क्वेश्चन है आई वॉन्ट टू ग्रो। अगर आप ग्रो करना चाहते हैं तो ऑलरेडी आप हम लोग का जो कम्युनिटी है उसके मेंबर बनिए, आप जो भी हम लोग जो भी सिस्टम है उसको यूज कीजिए और ग्रो करिए। बातें करने से नहीं होता है। देखिए दो पॉसिबिलिटी होता है, एक हम कह रहे हैं और एक हम कर रहे हैं। देखिए हम लोग का जो रिलेशन है ना, वो यूनिवर्स से रिलेशन है। हमें ना यूनिवर्स से लेना होता है, हमें एक दूसरे से कुछ नहीं लेना होता है। हम जो भी लेते हैं ना, वो यूनिवर्स से लेते हैं। और आपका अगर आपका कोई क्लाइंट आपको पे कर रहा है, वो यूनिवर्स का हिस्सा है। ये सारा रिलेशनशिप ना हमारा और यूनिवर्स के बीच का है। और ना हम लोग सोचते हैं ना कि जैसे हम लोग बाकी लोगों को ट्रीट करते हैं, हम यूनिवर्स को ऐसे ही ट्रीट करते हैं। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि वो ना हमारे बाप के बाप का बाप का बाप डॉट 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 का बाप का बाप का बाप का बाप है। मैं कहना क्या चाहता हूँ, वो बहुत अल्ट्रा इंटेलिजेंट चीज है। आप उसको बेवकूफ बनाने की कोशिश मत कीजिए। ना तो आप उसको बेवकूफ बना सकते हो, ना तो आप जो रियल मेंटर्स होते हैं, ना तो आप उनको बेवकूफ बना सकते हो। तो आपके एक्शन बस बताते हैं कि आप ग्रो करना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं। आपके अगर आपके वर्ड्स और एक्शन के बीच में गैप है तो इसका मतलब आपके ब्रेन में गैप है, आप अपनी डिसरेस्पेक्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन है आई वॉन्ट इनलाइटनमेंट। आपने ये एक कुछ वर्ड्स की मार्केटिंग होती है, उसी तरीके से इनलाइटनमेंट की मार्केटिंग हुई है, उस मार्केटिंग के आप प्रभाव में आ गए। आपको क्या पता व्हाट इज इनलाइटनमेंट? ये कुछ ऐसा है कि मैं आपसे बोलूं कि यहाँ पे कोई क्वेश्चन हमसे पूछ दे, या आपके सामने मैं क्वेश्चन ला दूं कि डू यू वॉन्ट हिबू गुरु, तो आप कहोगे सर हिबू गुरु क्या है? तो जैसे वो वर्ड आपके बिल्कुल नया है, ये किसी का एक्सपीरियंस था, ये किसी का एक्सपीरियंस था। फिर उसकी जो वो बुक में कॉपी पेस्ट इतना हुआ कि हमें लगता है कि अरे यार ये तो बहुत कुछ हो चुकी है। सो थोड़ा सा अपने जो रियल आपके अंदर से जो है ना, वो क्वेश्चंस पूछिए, अपने आप को ढूंढिए, रादर देन कि किसी ने आपके माइंड में कुछ चिपका दिया और उससे ड्राइव हो, दैट इज अ रॉन्ग अप्रोच। हाउ टू गेन कॉन्सियसनेस। कॉन्सियसनेस का मतलब देखिए, कॉन्सियसनेस को हिंदी में चेतना बोलते हैं। तो कॉन्सियसनेस हमें मिला हुआ है, कॉन्सियस हम हैं, अवेयर हैं, बस उसको डीपन करना है, अपनी अवेयरनेस को इंक्रीज करना है, डीपन करना है। तो वो कैसे करेंगे, वो हम लोग ऑलरेडी इसको डीपली हम लोग उसको उसी को हम लोग अवेयरनेस की प्रैक्टिस करते हैं एंड ऑल। कॉन्सियसनेस तो हमें मिला हुआ है, चेतना तो हमें मिला हुआ है, लेकिन अपनी अवेयरनेस को हमें डीपन करना है। हमारी जो अवेयरनेस है वो बहुत बहुत ना नैरो होती जा रही है, वो जितनी वाइड होगी उतना आप चीजों को राइट वे में परसीव कर पाएंगे और वही हमारी ग्रोथ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ टू ओपन द ब्लॉक्स ऑफ आवर बॉडी इन ऑर्डर टू कनेक्ट विद द सुप्रीम कॉन्सियसनेस। ये बात ठीक है कि हमारी जो बॉडी है, हमारे जो ब्रेन है, उसमें बहुत से ब्लॉक्स होते हैं। और उस ब्लॉक से होता क्या है, उससे नुकसान क्या होता है? आपके ब्रेन में जिस डोमेन में ब्लॉक होगा, देखिए हमारी अपनी लाइफ को ना हम लोग 6 एस्पेक्ट में ब्रेक करके देख सकते हैं, हमारी फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, रिलेशनशिप, फाइनेंशियल एंड स्पिरिचुअल। तो आपके ब्रेन में इन 6 जोन में, स्पिरिचुअल तो थोड़ा सा अलग रख के चलते हैं, इन 5 के जिससे भी रिलेटेड आपके ब्रेन में ब्लॉक्स होगा, आप उस डोमेन में, उस जोन में स्ट्रगल करोगे। अगर आपके माइंड में कुछ ऐसे ब्लॉक्स हैं जो आपके फाइनेंशियल जोन में है, तो आप फाइनेंशियली स्ट्रगल करोगे। अगर वो इमोशन में है, मेंटली है, रिलेशनशिप में, तो वहां पे आप स्ट्रगल करोगे। तो वो जो ब्लॉक्स होते हैं उनको अनब्लॉक करना, क्योंकि वो एनर्जी फॉर्म में होते हैं, पैटर्न फॉर्म में होते हैं, बिलीफ के फॉर्म में होते हैं, तो उसको अनब्लॉक करने का जो तरीका होता है, वो हम लोग का जो 5 स्टेप का जो प्रोसेस है, हम लोग वहां पे डिटेल में सीखते हैं।
वो हम लोग के इस प्रोग्राम का पार्ट नहीं है। क्वेश्चन इज इट गुड टू प्रे एंजल्स आर डायरेक्टली टू द गॉड। देखिए एंजल्स क्या होते हैं, जैसे हम लोग शरीर में हैं, ठीक है, जब हमारे पास शरीर नहीं होगा तो भी हम एग्जिस्ट करते हैं, ऐसा नहीं कि हमारा होना हमारे बॉडी तक होए, ऐसा नहीं है। इसीलिए जो हिंदुइज्म की जो टीचिंग है वो सबसे डीपर है। और अगर वर्ल्ड को हैप्पी प्लेस बनाना है, मेरी ये बातें कुछ लोग को हर्ट करेंगी, बुरी लगेंगी, वही मेरा काम है, वही एक मेंटर काम होता है कि सच बोलो, किसी को जितनी बुरी लगेंगी उसको उतने फायदे की। तो हम लोग को जो हिंदुइज्म की जो प्रैक्टिसेस है ना, जो बहुत डीप टीचिंग है, उसको हमें पूरे वर्ल्ड को अडॉप्ट करना पड़ेगा। क्योंकि हमने एक बार जब एडिशन ने बल्ब ढूंढा ना, तो हम लोग बल्ब के फॉर्मूला को तुरंत हम यूज करते हैं। हमने स्टुपिडिटी नहीं दिखाया कि नहीं हम अलग तरीके से बल्ब ढूंढेंगे, वो तो बस ठीक है। हम लोग की सोसाइटी में कुछ एविल्स होते हैं, कुछ पॉलिटिशियंस होते हैं जिन्होंने पूरी गंद फैला रखी है पूरे यूनिवर्स में, और उनको उनको क्रूसीफाई करना काम होता है सेंट्स का, स्पिरिचुअल मास्टर्स का। लेकिन वो असल में स्पिरिचुअल मास्टर्स होंगे तभी वो कर पाए। ज्यादातर स्पिरिचुअल मास्टर्स नहीं है। खैर हम लोग उस पर नहीं जाते। इज इट गुड टू प्रे टू एंजल्स आर डायरेक्टली टू द गॉड। सो एंजल्स क्या होती है कि देखिए, जब हम शरीर में नहीं होंगे तो भी हम एग्जिस्ट करेंगे, तब हम सोल फॉर्म में होते हैं, तब हम एनर्जी फॉर्म में होते हैं, तब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फॉर्म में होते हैं। तो वही एंजल्स होती हैं। जैसे आपके लाइफ में ना कुछ आपके लोग होते हैं, कुछ आपके मास्टर्स होते हैं, कुछ आपके फ्रेंड्स होते हैं जो एंजल की तरह वर्क करते हैं। आप लोग थोड़ा सा कनेक्ट कर पा रहे होंगे, और ये सब वो ज्यादा कनेक्ट करता है जो अपनी लाइफ में ना थोड़ा सा, जिसके थोड़े सपने बड़े होते हैं, या जो थोड़ा बड़ा सोचता है, जो थोड़ा सा ना बड़ी चीजें इम्पॉसिबल को पॉसिबल करने की कोशिश करता है, वो लोग इन चीजों को ना ज्यादा गुजरते हैं। जो लोग अपनी छोटी सी जॉब और कम्प्रोमाइज और पेन स्ट्रगल में अपना कम्फर्ट जोन बना लेते हैं, उनको पता ही नहीं चलता कि दुनिया है क्या। तो एंजल्स वो होते हैं जो सोल फॉर्म में है और आपकी हेल्प कर रहे हैं। तो प्रे कभी भी एंजल्स को नहीं करना चाहिए, एंजल्स के लिए थैंकफुल होइए। थैंकफुल होंगे तभी आप लाइफ में आगे बढ़ेंगे। जैसे हम लोग तीन स्टेप का प्रोसेस बोलते हैं, सबसे पहले आपको लाइफ में थैंकफुल होना है, दूसरा हम लोग बोलते हैं तेरी मर्जी, तेरी मर्जी वो गॉड से रिलेट करता है, सेकंड स्टेप तेरी मर्जी है, थर्ड स्टेप है जिसको सिमरन बोलते हैं, सिमरन का मतलब गॉड रिमेम्बरेंस। लेकिन अगर आपकी लाइफ में थैंकफुलनेस ही नहीं है तो आप उसके आगे बढ़ ही नहीं पाओगे। सो थैंकफुलनेस इज द फर्स्ट थिंग। तो प्रे कभी भी एंजल्स को मत कीजिए। क्यों नहीं कीजिए? क्योंकि अगर आप अपना गोल ही छोटा बनाओगे तो आप उनको क्रॉस ही नहीं कर पाओगे, आप उन्हीं को दुनिया मान लोगे। क्योंकि ना हमारा जो ब्रेन है ना, हमारा जो माइंड है ना, ये आपका सबसे बड़ा दोस्त है और सबसे बड़ा दुश्मन है। इसको अगर आपको दोस्त बनाना है तो आपको सीखना पड़ेगा, अदरवाइज ये दुश्मन तो ऑटोमेटिक बन जाएगा आपका। तो अगर आप एंजल को प्रे करोगे तो एंजल को आप सुप्रीम मान लेते हो, फिर आप ना उसके आगे की दुनिया आपको दिखेगी नहीं। तो हमेशा प्रे गॉड को कीजिए, एंजल्स के लिए हमेशा थैंकफुल रहिए। क्योंकि अगर आप एक जेन्युइन सोल है, आप भी बहुत लोग के लिए एंजल्स हैं। अगर हम एंजल को प्रे कर रहे हैं तो हम उनके साथ भी गलत कर रहे हैं, उनके साथ भी गलत कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, अगर हम गॉड को प्रे करेंगे ना, तो जो एंजल्स हैं उनको भी दिखेगा कि यस, उनको भी आप ऊपर देखने में उनको हेल्प कर रहे हैं आप। हाउ टू एक्टिवेट सबकॉन्शियस माइंड, ये जो पूरा आपने जो फॉर्म पढ़ा था वहां पे कोई सबकॉन्शियस माइंड की बात नहीं की गई थी। सबकॉन्शियस माइंड उनके लिए हम लोग का एक अलग प्रोग्राम होता है, प्लीज वहां पे वो क्वेश्चन। हम लोग की सोसाइटी में ज्यादातर लोग सर प्रॉब्लम ये है कि वो फाइनेंशियली वीक होते हैं, और वो फाइनेंशियली इसलिए वीक हैं क्योंकि फाइनेंशियली वीक रहना चाहते हैं। जब उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है तब उस अपॉर्चुनिटी को वो कनेक्ट नहीं करते, तब उन अपने फियर को अपना भगवान बना लेते हैं। रिच होना इज द नेसेसिटी ऑफ लाइफ, और अगर आप रिच होना चाहोगे तो आपको कोई नहीं रोक सकता, आपको वो चीजें सीखनी पड़ेंगी, और ताकि आप लोग जो अच्छी सर्विस उनको अफोर्ड कर सको, सोल्यूशन ले सको, अपने आप को एम्पावर कर सको। हाउ कैन वी हेल्प इन स्पिरिचुअल अवेयरनेस, ये जो सही क्वेश्चन होगा वो कुछ ऐसा होगा कि हाउ कैन वी इंक्रीज आवर स्पिरिचुअल अवेयर। जो अवेयरनेस है, अवेयरनेस को लेके एक तो हमने लास्ट सेशन में बात किया था, तो हम लोग बहुत ज्यादा बात नहीं करेंगे, थोड़ा सा बस कम्युनिकेट कर। जो समरी था उसका वो ये था कि द राइट वर्ड इज द अवेयरनेस, नॉट द मेडिटेशन। द राइट वर्ड इज द अवेयरनेस, और कोई स्पिरिचुअल अवेयरनेस ऐसी कोई चीज नहीं होती। अवेयरनेस अकेला काफी है, स्पिरिचुअल अवेयरनेस में आप ये समझिए कि जब आपकी जो कॉन्सियसनेस है, जब वो देखिए हम लोग की ना, जितना हम लोग टाइम बढ़ता है, जितना हम लोग की लर्निंग बढ़ती है, जितना हम लोग ग्रो करते हैं, तो ग्रोथ क्या होता है, हमारी कॉन्सियसनेस रेज होती है, हमारी कॉन्सियसनेस रेज होती है। इसको ऐसे समझिए, जैसे हीलिंग एक वो वर्ड यूज किया जाता है, सेवन चक्रास, हमारे सेवन चक्रास होते हैं। ज्यादातर लोग की जो अवेयरनेस होती है ना बहुत कम होती है। अवेयरनेस कम होने का मतलब क्या हुआ कि हमारी जो लाइफ है ना वो लोअर चक्रास पे चले। हमारे लाइफ में सेवन चक्रास होते हैं, जो फोर्थ चक्रा है वो हार्ट चक्रा है, हार्ट चक्रा जो हमारे हार्ट सेंटर पे आ रहा है। हार्ट चक्रा से नीचे थ्री चक्रास है और हार्ट चक्रा से ऊपर थ्री चक्रास है। तो जो ज्यादातर लोग होते हैं ना, उनकी वो उनकी जो लाइफ है ना वो लोअर प्लेन पे चलती है, वो पहले चक्र पे, मूलाधार पे, स्वादिष्ठान पे, अनाहत पे, इस पे चलती है। जो ज्यादातर लोग हैं उनकी लाइफ लोअर प्लेन्स पे चलती है। अगर आपकी लाइफ में पॉजिटिव एनर्जी आती है, मास्टर्स आते हैं, अगर आप उनको रेस्पेक्ट करते हैं, उनको अगर आप कनेक्ट करते हैं, अगर आप उनसे आप हुक करते हैं, वो आपसे हुक नहीं करेंगे, आपको उनसे हुक करना पड़ेगा, क्योंकि वो ऑलरेडी वो ना गॉड से हुक, उनको आपकी हुकिंग की कोई जरूरत नहीं, वो आपको कुछ देने की कोशिश होती है।
उनको आपसे कुछ नहीं चाहिए होता। तो अगर आप राइट एनर्जी से, राइट लोगों से अगर कनेक्ट करते हैं तो आपकी ना अवेयरनेस इंक्रीज होती है, आपकी कॉन्सियसनेस है ना जो मूव करती है वो नीचे से ऊपर की तरफ मूव करती है। सो जब ये मूव करते 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 जब कि पहले सबसे पहले हार्ट चक्र हमारा एक्टिव होता है, स्पिरिचुअल जर्नी शुरू ही उसकी होती है, स्पिरिचुअल जर्नी को कनेक्ट ही वही करता है जिसका हार्ट चक्र एक्टिव हुआ। हार्ट चक्र एक्टिव होने का मतलब समझिए, जो हार्ट चक्र है वो रिलेट करता है लव से। लव को अगर आपको और बेहतर समझना है तो आप लॉ ऑफ गिविंग को जैसे जैसे आप जो पॉजिटिव एनर्जी है, जो डिवाइन एनर्जी है, जो राइट मास्टर्स है, अगर उनसे कनेक्ट करते हैं तो आपकी कॉन्सियसनेस रेज होती है। तो इस तरीके से आपकी स्पिरिचुअल अवेयरनेस रेज होती है। अवेयरनेस की प्रैक्टिस करके धीरे धीरे आप अपनी अवेयरनेस या स्पिरिचुअल अवेयरनेस को इंक्रीज कर सकते हैं। हाउ टू कनेक्ट विथ यूनिवर्स, देखिए यूनिवर्स से तो हम लोग कनेक्टेड है ही है, हम यूनिवर्स से डिसकनेक्टेड हो ही नहीं सकते। लेकिन होता क्या है कि हमारे जो ब्लॉक्स होते हैं, ज्यादातर हमारे जो ब्लॉक्स होते हैं ना वो हमारे लाइफ में लिमिट्स लाते हैं, और हमारे ब्लॉक्स कहाँ होते हैं, वही हमारे फाइव प्लेन्स पे। तो अगर आप अपने सारे प्लेन्स के ब्लॉक हटाते हैं धीरे धीरे, जो भी हम लोग टेक्निक्स और जो भी ब्रेन के बिलीफ को चेंज करने का जो भी सीखते हैं, जब वो सारे अपने आप ब्लॉक्स आप रिमूव करते हैं ऑटोमेटिकली, फिर धीरे धीरे फिर आप जब आप बाकी पे स्ट्रांग होते हैं, जब आप फाइनेंशियली स्ट्रांग हैं, आपका रिलेशनशिप ठीक है, इमोशनली स्ट्रांग है, तो फिर धीरे धीरे आप स्पिरिचुअली आप अपने आप को स्पिरिचुअली कनेक्ट करते हैं। और जब आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ जितनी ज्यादा अच्छी होती है, या स्पिरिचुअल ग्रोथ अच्छी होने का मतलब ही होता है कि हमारा यूनिवर्स से कनेक्शन कितना स्ट्रांग है, क्योंकि यूनिवर्स कनेक्टेड तो सबसे है, लेकिन जो लोग स्पिरिचुअली साउंड है वो लोग इतने ज्यादा कनेक्टेड होते हैं क्योंकि उनकी जो सारी जो गाइडेंस है ना वो यूनिवर्स से आती है। तो ये जब आप हम स्पिरिचुअली ग्रो करते हैं, पहले हम लोग बाकी जो हमारे जो प्लेन है उसको हम ठीक करें, उसके बाद जब हम स्पिरिचुअली भी ग्रो करते हैं तो यूनिवर्स से जो हम लोग का जो कनेक्शन है वो और स्ट्रांग होता है। व्हाई वी नीड टू स्ट्रगल, हम लाइफ में स्ट्रगल क्यों करते हैं? देखिए हम लोग स्ट्रगल को रेजिस्ट क्यों करते हैं, सबसे पहले ये समझिए, जो लाइफ है ना वो डिजाइंड है और हम लोग ना उसके पार्ट हैं। ये जो हम लोग की जो लाइफ है ना वो यूनिवर्स से या जैसे भी ऑलरेडी वो डिजाइंड है, और वो ऐसे डिजाइंड है कि उसमें सारे एलिमेंट्स उसने रखे हैं, हैप्पीनेस भी है, पेन भी है, ये भी है, वो भी है, सब कुछ है। सो हम लोग ना पेन को लेके ना थोड़े से नेगेटिव होते हैं, हम लोग पेन को लेके ना ओपन नहीं होते हैं। वो ऐसा इसलिए क्योंकि हम में से ज्यादातर लोग, और स्पेशली अब जो जैसे सोसाइटी पिछले कुछ सालों से या कुछ डिकेड्स या सेंचुरीज से जैसे जा रही है, हम लोग की लाइफ में ना जो टीचर एलिमेंट है, जो मास्टर एलिमेंट है, जो लर्निंग एलिमेंट है, अब वो ना मिसिंग है। अब वो मिसिंग होने की वजह से ना हमें पता ही नहीं, हम सबको ना व्हील को खुद ही इन्वेंट करना है। जैसे देखिए टीचर या मास्टर क्या करता है, वो जिस प्रोसेस से गुजरा है, जो लर्निंग वो ले चुका है, जो अपने टाइम से, पेन से, स्ट्रगल से गुजर के जो चीज वो सीख चुका है वो आपको डायरेक्टली बता देता है, और वो डायरेक्टली बता के आप उसको इमिटेट करते हैं तो आपकी लाइफ में वो पेन्स नहीं आते। इसका जो डायरेक्ट आंसर है वो ये है कि देखिए जो स्ट्रगल है, जो पेन है, दैट इज अ गुड थिंग, वही आपको ग्रो करता है, वही आपको स्ट्रांग करता है। आप कभी भी देखना, जो पर्सन स्ट्रांग है, जो पर्सन बेहतर है, वो वही है जो टफ फेजेस से गुजरा है, क्योंकि जो टफ फेज है ना वो वही हमें ट्रांसफॉर्म करती है। सो अगर एक कहानी सुनाता हूँ वो आपको इससे ज्यादा रिलेट करेगा। एक बार एक पर्सन थे, बहुत पहले टाइम की बात है, वो भगवान को उन्होंने प्रे किया, वो ये बोले कि भगवान आपको ना खेती कराना आता नहीं है, आप ना कभी आंधी इतनी चला देते हो, कभी इतना तेज धूप कर देते हो, कभी मतलब क्या करते हो आप ठीक से करते नहीं हो, मतलब आप ना मुझे दो एक सीजन, मैं आपको दिखाता हूँ कि खेती कैसे होती है। तो भगवान कहे अच्छा ठीक है, एक सीजन के लिए तुम संभाल लो। तो वो क्या करते थे कि उन्होंने सब कुछ बहुत मॉडरेट किया, जैसे सूरज भी वो धूप भी होती थी तो बहुत तेज धूप नहीं करते थे, मॉडरेट करते थे, बारिश भी होती थी तो बहुत रिमझिम जो इंसानों को पसंद है वैसी बारिश करते थे, हवा भी चलाते थे तो बिल्कुल सावन, बिल्कुल वो वाला जो सावन के झूले करके जो गाना है ना, सब कुछ बिल्कुल आइडियल परफेक्ट करते थे। अब हुआ क्या कि जो फसल थी वो तो बहुत बड़ी बड़ी हुई, फिर वो जब फसल काटना था, फसल की कटाई होनी थी, तो उन्होंने अपने गाँव के सभी साथियों को बोला कि चलो कटाई पे चलते हैं, देखो फसल कितनी अच्छी आई, इस बार मैंने कराया है, इस बार देखो भगवान से मैंने अच्छी करके दिखाया। तो जब वो कटाई करने जाता है ना, तो जब वो अनाज देखने के लिए उसके जो भी पत्तों के बीच में था उसको जब अलग करता है तो देखता है बीच में अनाज ही नहीं थे। तो वो कहता है अरे भगवान ये क्या मजाक कर दिया तुमने। तो भगवान मुस्कुराते हैं, वो कहते हैं बेटा वो जो तुमने एलिमेंट हटाया ना, जब बहुत तेज धूप होती थी, जब बहुत तेज आंधी चलती थी, वो जो टफ मोमेंट होता था, उसी दर्द के मोमेंट में उसमें अनाज बनता था, उसी पेन के मोमेंट में जो मिल्क होता था वो अनाज में, ग्रेन में कन्वर्ट होता था, तुमने तो वो चीज लाने ही नहीं दिया,
तो वो स्ट्रांग बना ही नहीं। तो जो स्ट्रगल है वो पार्ट ऑफ लाइफ है, लेकिन अपने स्ट्रगल को रिड्यूस किया जा सकता है लर्निंग से। अगर आप जो पावर ऑफ नॉलेज है, नॉलेज से ज्यादा पावरफुल इस यूनिवर्स में न कुछ है न कुछ होगा। देखिए थ्री फॉर्म ऑफ पावर होती है। पहला बोलते हैं जिसको बाइंग पावर होता है, जो मोती बोलते हैं, पैसा बोलते हैं, दैट इज द फर्स्ट थिंग। उसके बाद जो नेक्स्ट लेवल पे होता है उसको बोलते हैं मसल पावर, शीशा मोती तलवार। जापानीज जो होते हैं वो तीन फॉर्म, वो ऐसे बोलते हैं कि वो शीशा मोती तलवार बोलते हैं। सो द फर्स्ट थिंग इज मनी। उसके बाद जो नेक्स्ट लेवल पे आता है उसको मसल पावर बोलते हैं, जो पॉलिटिकल पावर होती है, जो हमारे पॉलिटिशियंस के पास होती है। उसके बाद जो होता है उसको शीशा बोलते हैं, जिसको स्पिरिचुअल नॉलेज या नॉलेज बोलते हैं। जो सबसे देखिए, जो मनी की पावर की लिमिटेशन तो हमें से ज्यादातर लोगों को पता है, क्योंकि हम लोग को उसकी लिक्विडिटी पता है कि कितना तेजी से वो मूव करता है। जो दूसरा फॉर्म ऑफ पावर है जिसको हम लोग बोलते हैं तलवार, मसल पावर, जो पहले राजा के पास होती थी, अभी डर्टी पॉलिटिशियंस के पास चली गई। जो पावर होती है ना वो नशा की तरह होता है। और जैसे जो जो भी ये राजा होते हैं, आप कभी भी देखना, जो राजगद्दी होती है, जो किंगहुड किंगनेस होती है, वो ना वो जवानी जैसी होती है, वो आएगी और जाएगी, वो जिंदगी भर आपका साथ नहीं देती है। वो बिल्कुल ऐसे है कि जैसे वो एक नशा है, जैसे जैसे आप अगर वाइन पियो तो ठीक है उसके कुछ घंटे हैं, उसी तरीके से जो ये पावर होती है ना उसका उसका ना एक टाइम है। जैसे आप देखो अगर हम लोग इंडियन पॉलिटिशियंस को देखें तो कब इससे पहले ये पीएम थे, इससे पहले वो थे, इससे पहले वो थे, आज ये हैं। तो जिसकी डीपर अंडरस्टैंडिंग होती है, जो सेंस होते हैं, वो उनको पता होता है कि यार वो चार दिन की चांदी है। और जो पावर ऑफ नॉलेज है, जो पावर ऑफ विजडम है, देखिए जो नॉलेज है वो एरोगेंस नहीं देता, आप ये समझिए। वो एक एक संस्कृत का स्टेटमेंट है, सा विद्या या विमुक्त है। नॉलेज वो है जो आपको फ्री करता है, सरल बनाता है। अगर आपको कुछ बातें पता चल गई और आपको अकड़ आ गई तो वो नॉलेज नहीं है। ठीक है नॉलेज का कुछ फॉर्म आपने ग्रैब किया, लेकिन नहीं आप मतलब वो परपज सॉल्व नहीं हुआ। जैसे मेरे अप्रोच में कुछ लोग एरोगेंस दिखता होगा, लेकिन वो एरोगेंस नहीं है। हम लोग टफ अप्रोच लेते हैं कुछ लोग को फिल्टर करने के लिए, फिल्टर करने के लिए, ताकि जो नेगेटिव एलिमेंट है वो मतलब मेरा बड़ा सिंपल सा है कि जो पॉजिटिव लोग हैं मैं बस उनको एम्पावर करना चाहता हूँ, उनको एम्पावर करना चाहता हूँ, और जो नेगेटिव लोग हैं उनको मैं क्रूसीफाई करना चाहता हूँ। तो हमारे कम्युनिटी में कोई नेगेटिव एलिमेंट ना है, इसलिए मैं थोड़ा सा टफ अप्रोच लेके चलता हूँ, मेरा अरोगेंस जैसे कोई चीज नहीं। सो व्हाई वी नीड टू स्ट्रगल अ सर्वाइव इन आवर लाइफ, होप मैंने आंसर कर दिया। सो फर्स्ट इज मोती, सेकंड इज मसल पावर, थर्ड इज स्पिरिचुअल पावर। तो देखिए सोसाइटी हमारी चलती कैसे है। अभी जैसे पिछले काफी टाइम से क्या हो रहा है, अगर इंडिया की या बाहर की बात करें, तो जो किंग्स हैं, जो मसल पावर वाले हैं, वो डोमिनेट कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हमारी जो सोसाइटी की जो स्पिरिचुअल पावर है, जो सेंट्स हैं, जो रियल सेंट्स हैं, वो कहीं ना कहीं उनको हम लोग कनेक्ट नहीं कर रहे हैं, उनको हम लोग इम्पावर नहीं कर रहे हैं। अदरवाइज अगर कोई रियल सेंट है तो वो किसी भी राजा से नहीं डरेगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसकी जो पावर है ना वो बहुत ज्यादा होती है। एक जो सेंट होता है वो जितने लोगों को मोबिलाइज कर सकता है, किंग उसके सामने ना बौना होता है, कुछ नहीं होता है। लेकिन अगर हमारी सोसाइटी में, अगर हम लोग की जो सोसाइटी है वो ठीक नहीं चल रही है, कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, अगर हमारा राजा गलत करता है, तो किसकी जिम्मेदारी होती है बोलने की? जो सेंट्स हैं, जो रियल सेंट्स हैं, उनकी जिम्मेदारी होती है। क्योंकि उनको किस बात का डर? देखिए जो सेंट्स होते हैं उनको डेथ तक का डर नहीं होता, क्योंकि वो जो लाइफ से लेना था ना वो ले चुके होते हैं। और जो सेंट्स होते हैं उनके पास देने को होता है, लेने को उनको कोई जरूरत नहीं है, लेने को तो ठीक है यूनिवर्स उनको उनका केयर यूनिवर्स करती है, उनके पास देने को होता है। सो इस तरीके से हमारी सोसाइटी में बैलेंस चलता है कि कभी भी, इसीलिए देखिए पहले जो हम लोग का जो हिंदुइज्म था वो कैसे चलता था, वो एक एक्सपेरिमेंट था जो काफी हद तक सक्सेसफुल था, फिर ठीक है उसको इन्वेजन हुआ, क्या हुआ, उसमें जो राजा होता था वो क्षत्रिय होता था और उसके ऊपर ब्राह्मण होता था, सबसे ऊपर जो दर्जा दिया गया था वो ज्ञान को दिया गया था। सो अगर वर्ल्ड को फिर से पीसफुल बनाना है, जो कि हमें कोशिश करनी चाहिए चाहे हम सफल हो चाहे असफल हो, हिंदुइज्म की जो सक्सेसफुल चीजें हैं हमें उसको अडॉप्ट करना होगा। और हमें वहां पे छोटी सोच नहीं लाना है कि नहीं जी हमारा ये दिस दैट, ये स्टुपिडिटी ना, इस स्टुपिड लोगों के लिए तो वैसे भी स्पिरिचुअलिटी नहीं है, पहले इसलिए स्टार्ट वहीं से करता। अगर मान लीजिए किसी ने बल्ब की खोज किया तो अपने घर में लगाते हैं ना, पंखा हम लगाते हैं ना, एसी हम लगाते हैं ना, हम ये थोड़े ढूंढते हैं कि हमारे हमारे धर्म के हमारे देश के लोगों ने ढूंढा कि नहीं ढूंढा। सो फाइन हम लोग यहाँ आते हैं। सो वाई वी नीड टू स्ट्रगल एंड सर्वाइव, बिकॉज वही आपको ग्रो करता है, वही आपको स्ट्रांग करता है। आप सोचिए कि आप जो पेनफुल जो प्रोसेस है वो लाइफ का सबसे ब्यूटीफुल चीज है, वही आपको खूबसूरत बनाता है, वही आपको उसको जो भी कह लीजिए आपकी ग्रोथ में, आपके ट्रांसफॉर्मेशन में, वही आपको हेल्प करता है। हाउ टू बिकम थॉटलेस। देखिए ये जो क्वेश्चन का जो ओरिजिन है, मतलब जैसे आप क्वेश्चन पूछते हो तो उसका ओरिजिन हमें पता चल जाता है। ये मतलब देखिए थॉटलेस आप होना क्यों चाहते हो हमें ये देखना है।
कई बार ना हम लोग ये ना कहीं से पार्शियल लर्निंग कुछ कर लेते हैं कि ठीक है आपको थॉटलेस होना है ये वो। देखिए प्रॉब्लम थॉट्स नहीं है, प्रॉब्लम क्या है ना कि जो हमारे माइंड में जितने थॉट्स चलने चाहिए उससे बहुत ज्यादा थॉट्स चलते हैं, प्रॉब्लम ये है। और बहुत ज्यादा थॉट्स क्यों चलते हैं, क्योंकि ना हमें ना अपने माइंड को सराउंड करना नहीं आता है, हमें अपने माइंड को मास्टर करना नहीं आता है। हम लोग रैंडम जीना चाहते हैं, कॉमन मैन की तरह जीना चाहते हैं, लेकिन रिजल्ट चाहते हैं किंग्स की तरह, सेंट्स की तरह, दैट इज नॉट पॉसिबल। सो आपको थॉटलेस होने की चिंता नहीं करनी है, नंबर ऑफ थॉट्स कम हो आपके, नंबर ऑफ थॉट्स आपके जब कम होंगे, जब आपका अपने माइंड पे मास्टरी होगा, जब आपके कुछ आउटकम्स होंगे जो इस जोन की फिर बाहर चली जाती है, क्योंकि थॉट्स तो रहेंगे। थॉटलेसनेस ठीक है वो थोड़े टाइम के लिए होता है, लेकिन हमें नंबर ऑफ थॉट्स को रिड्यूस करना है। सो थॉट कोई हमारा एनिमी नहीं है, थॉट इज ए गुड थिंग। क्योंकि देखिए जब हम लोग स्पिरिचुअली भी वो करते हैं ना, जब स्पिरिचुअली अरीना में आप एंटर करते हैं, स्पिरिचुअल ग्रोथ अच्छी होती है, तो बस आपके थॉट्स चेंज हो जाते हैं। जैसे हमने बोला थैंकफुलनेस पहला स्टेप, सेकेंड स्टेप तेरी मर्जी, थर्ड स्टेप इज गॉड रिमेम्बरेंस। तो थॉट तो रह रहा है, थॉट तो रहेगा, तो थॉटलेसनेस जो आपने कहीं सीखा है वो इनकम्प्लीट वो है। थॉटलेसनेस ठीक है वो भी कभी कभी होता है, लेकिन हमें जो मेन चीज है कि हमारे नंबर ऑफ थॉट रिड्यूस कैसे हो। हाउ कैन आई बिकम सक्सेसफुल इन व्हाट आई डू, जी आप तो कम्युनिटी मेंबर हैं, आप वो जो सिस्टम है आप उसको यूज कीजिए, कोई भी सक्सेस उसके थ्रू प्रोड्यूस कर सकते हैं। और अगर हम लोग नेचर के साथ बैलेंस करते हैं, अगर हम लोग स्पिरिचुअल लर्निंग करते हैं, तो हम लोग ना बिल्कुल अनबीटेबल हो जाते हैं, फिर हम इतने स्ट्रांग हो जाते हैं, क्योंकि फिर आप ना यूनिवर्स से डायरेक्ट कनेक्ट करते हैं। अपने आपको रिलैक्स कर लीजिए, थोड़ी डीप ब्रीदिंग कर लीजिए, थोड़ा सा डीप ब्रीदिंग करके अपने आपको रिलैक्स कर लीजिए। अगर आंखें बंद हो जाए तो ठीक है, खुली रहे तो ठीक है, थोड़ा सा डीप ब्रीदिंग करके अगर हो सके तो आंखें बंद कर लीजिए, क्योंकि आंखें बंद करने से ना हम लोग थोड़ा सा रिलैक्स स्टेट ऑफ माइंड में चले। अभी छोटी सी एक एक्टिविटी करेंगे, चाहे आंखें खुली रखे चाहे बंद, जो भी आपको ठीक लगे। ऑटोमेटिक बंद हो तो ज्यादा अच्छा होता है, फोर्स्ड क्लोज आई से ऑटोमेटिक क्लोज आईज होती है वो ज्यादा बेहतर होता है। अपना अपने अटेंशन जोन को ना स्प्रेड कीजिए, आप अपने अटेंशन जोन को, अपने थिंकिंग को स्प्रेड कीजिए। आप कोशिश कीजिए ना कि देखिए चाहे अपने उसको स्प्रेड कीजिए, आप पूरे इंडिया के बारे में सोचिए, उसको और एक्सपेंड कीजिए अपने अटेंशन जोन को, पूरा एशिया के बारे में सोचिए, माइंड में पूरा एशिया का मैप देखिए और उसको एक्सपेंड कीजिए, पूरे वर्ल्ड की तरफ पूरा उसको स्प्रेड कीजिए। आप आंखें बंद मन शांत पूरा ध्यान प्रेजेंट पे, आंखें बंद मन शांत पूरा ध्यान प्रेजेंट पे, पर डीप ब्रीदिंग कीजिए, अपने अटेंशन जोन को स्प्रेड कीजिए और स्प्रेड कीजिए, जितना स्प्रेड कर सको आप, जितना स्प्रेड कर सको पूरे एशिया तक, आप पूरे एशिया की चिंता करो, चाइना देखो, रूस देखो, जहां जहां तक आपका माइंड है, और उसको स्प्रेड करो पूरे वर्ल्ड तक, आप स्प्रेड करो उसे, और स्प्रेड करो आप, और स्प्रेड करो, और स्प्रेड करो। स्प्रेड करने का मतलब हमें सोचना होता है कि अच्छा हाँ ठीक है यहाँ यहाँ, उसको और स्प्रेड करो, और स्प्रेड करो आप। आंखें बंद मन शांत पूरा ध्यान प्रेजेंट पे, अभी जो भी हम लोग एक्टिविटी करें सब कोई पर्पज नहीं है, कोई पर्पज नहीं, कोई पर्पज मत बनाइए, कोई गोल नहीं है, कोई एफर्ट्स नहीं करना है, जस्ट बस फ्लो होइए, बस अपने आप को छोड़ दीजिए, अपने अटेंशन को और स्प्रेड कीजिए, और स्प्रेड कीजिए, और स्प्रेड कीजिए, और स्प्रेड कीजिए। अब इस प्रोसेस में आपको थोड़ी तकलीफ हो रही होगी, आपको आपको अपने ब्रेन में लग रहा होगा कि यार ये मैं क्या कर रहा हूँ, लेकिन हम यही तो करते हैं सुबह शाम, सब चिंता करते हैं हम, अमेरिका की चिंता करते हैं, मीडिया पता नहीं कहाँ कहाँ। अब वापस लौटिए, अब अपने अटेंशन जोन को श्रिंक कीजिए, अब वापस लौटिए, अब वो जो हमने बहुत बड़ी सर्कल बनाई थी उसको थोड़ा थोड़ा छोटा कीजिए आप, अब अपने अटेंशन जोन को श्रिंक कीजिए, अपने अटेंशन जोन को जो हमने पूरे वर्ल्ड तक स्प्रेड कर लिया था उसको अपने कंट्री तक ले आइए, कि ठीक है अपने अटेंशन बस कंट्री के बाहर अभी नहीं जाना, अब उसको और श्रिंक करके अपने स्टेट तक ले आइए आप, जिस भी स्टेट में, कि इस स्टेट से बाहर अपनी थिंकिंग को नहीं जाना, क्योंकि अपनी अटेंशन को स्प्रेड करने में हमारा ब्रेन सपोर्ट नहीं करता, हमारा स्ट्रेस बढ़ता है, एंजाइटी बढ़ती है, हमारा ब्रेन सपोर्ट नहीं करता, क्यों नहीं करता पता है, वो हम लोग समझेंगे अभी क्यों। अब उसको श्रिंक कीजिए, अब अपनी सिटी तक ले आइए, जो भी आप जिस शहर में भी रहते हैं, अपनी सिटी तक अपने अटेंशन जोन को ले आइए, श्रिंक कीजिए। केवल पावर ऑफ इंटेंशन यूज करना है, पावर ऑफ इंटेंशन का मतलब ये होता है कि हम जो भी इंटेंट करते हैं हमारा ब्रेन उसको सपोर्ट करता है, उसको और श्रिंक कीजिए। अब अपने घर तक ले आइए, बस अपने आपके जो घर की जो बाउंड्री है बस वहां तक, जो भी आपका घर है वहां तक उसको और श्रिंक कीजिए। अब जिस कमरे में बैठे हैं आप केवल उस कमरे तक, बस उस कमरे तक और श्रिंक कीजिए,
अब बस अपने फिजिकल बॉडी पे, अब अपने अटेंशन जोन को अपने फिजिकल बॉडी तक ले आइए, अपने शरीर को अब आप महसूस कीजिए, पूरे अपने शरीर को, पूरे बॉडी ऑर्गन को, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, जैसे भी नीचे से ऊपर करते हैं, अपने लेग फिंगर्स को फील कीजिए, थोड़ा बहुत आप मूव कर सकते हैं, थोड़ा बहुत हल्का सा मूव कर सकते हैं आप, ताकि आपको और उसकी रियलाइजेशन हो, अपने पैर के, घुटने के नीचे वाले हिस्से को, घुटने को, थाइज को, कमर को, स्टमक को, चेस्ट को, गर्दन को, दोनों हाथों को, हाथों की उंगलियों को, अपने गर्दन को, अपने ब्रेन को, अपने पूरे शरीर को महसूस कीजिए। कोई पर्पज नहीं है, कोई पर्पज नहीं है इसका, कोई पर्पज मत ढूंढने की कोशिश कीजिएगा, कोई एफर्ट्स नहीं करना, जस्ट मैं आपको जो बोल रहा हूँ अपने आप जो होता है हो ना होता हूँ, अपने शरीर को महसूस कीजिए, अपनी कॉन्शियसनेस को अपने बॉडी लेवल पे ले आइए। अब उसको और श्रिंक करते हैं, अपने हार्ट के लेवल पे ले आइए, अपने हार्ट सेंटर पे ले आइए, बस अपने अपने मन को महसूस कीजिए आप बस। अब आप ये सोचिए कि ठीक है, अब आपका जो पूरा अटेंशन जोन है केवल आपके हार्ट पे, आंखें बंद, मन शांत, पूरा ध्यान प्रेजेंट पे, कोई पर्पस नहीं है, कोई एफर्ट्स नहीं करना है, अपने मन को महसूस कीजिए, अपनी चेतना को अपने मन पे ले आइए, अपनी चेतना को अपने मन पे ले आइए, अपनी चेतना को अपने मन पे ले आइए, बस अपने मन पे ले आइए। अब एक थोड़ी सी एक म्यूजिक मैं प्ले करता हूँ, बस उसमें थोड़ा सा उसके रिदम में आप ना उतरने की कोशिश करो। बंद, मन शांत, अब अपने एग्जिस्टेंस को महसूस कीजिए, अपने होने को बस, अपने एनर्जी फॉर्म को महसूस कीजिए, अपने एग्जिस्टेंस को। अभी हम आपके शरीर की बात नहीं कर रहे हैं, आपके बुद्धि की बात नहीं कर रहे हैं, आपके मन की बात, अपने एग्जिस्टेंस को अगर कनेक्ट कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं तो कोई बात, ब्रेथ के टेस्ट को, अपने सांसों के टेस्ट को महसूस कीजिए, जो ब्रीदिंग है ना उसका एक अपना एक टेस्ट है, हमारी अवेयरनेस वीक होती है इसलिए हम उसको उस रिदम को हम लोग फील नहीं कर पाते, कनेक्ट कम कर पाते हैं। अब 30 सेकेंड्स में धीरे 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 हम बाहर आएंगे, धीरे धीरे बाहर आएंगे, आंखें ओपन कर लीजिए, सामने एक मैसेज दिख रहा है, एक्शन विथ अवेयरनेस, दिस इज द आंसर। हमें अवेयरनेस की जरूरत है, मेडिटेशन इज नॉट द आंसर, अवेयरनेस इज द आंसर। एक बार दो दोस्त थे, उनको म्यूजिक का शौक था, दो दोस्त थे वो म्यूजिक सीखना चाहते थे, तो गुरुजी के पास पहुंचे, गुरुजी से बोले कि हमें म्यूजिक सीखना है, और वो दोनों काफी मतलब पुअर फैमिली से थे, फाइनेंशियली वीक फैमिली से थी, काफी पहले की बात है, तो गुरुजी ने बोला कि वो मैं सिखा दूंगा, ठीक है। और पहले हम लोग की सोसाइटी बहुत अलग तरीके से फंक्शन करती थी, टाइम के साथ चीजें बदल रही है, और ये जो अभी ये जो एपिसोड हुआ है इसके बाद अब चीजें ना बहुत तेजी से बदल जाएंगी, जो 21वीं सदी है ना अब शुरू होने वाली है, जो लोग अपने आप को अपडेट कर लेंगे वो आगे बढ़ जाएंगे, अदरवाइज बहुत से लोग पेरिश भी होंगे, बहुत कुछ बदलेगा, बहुत डायनेमिक्स बदलने वाले, हो सकता है कि हमारे जो डर्टी पॉलिटिशियंस हैं उन सबसे आपको मुक्ति मिल जाए, हो सकता है अब आपको फिर उनको कभी ना देखना पड़े,
हमारे सोसाइटी के सबसे वर्स्ट दो एलिमेंट हैं हमारे पॉलिटिशियन, हमारी मीडिया पीपल। हमारी हमारी जो कंट्री को जो गंदा किया इन दोनों लोगों ने किया। शायद अब इन लोग को अब रिटर्न मिलने वाला है शायद, लेकिन वो उसके लिए आपको एफर्ट्स करना पड़ेगा। आपको उसी चीज का बेनिफिट मिलेगा जिसके लिए आप एफर्ट्स करेंगे, किसी और के एक्शन का बेनिफिट आपको मिलेगा ये सब भूल जाएंगे। अगर आपको अपने अपने आप को रिच करना है, अपनी फैमिली को हैप्पी करना है, अपनी सोसाइटी को रिच करना है, हैप्पी करना है, आपको एफर्ट्स करना पड़ेगा। आप लिए ब्रिटिश नहीं करेगा, आप लिए WHO नहीं करेगा, आप लिए चाइना नहीं करेगा, वो अपने लिए करेगा। एंड दैट इज अ गुड थिंग, क्योंकि बोलते हैं चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम। अगर हमें किसी का भला करना है तो पहले हमें अपना भला करना चाहिए, और सब अपना अपना भला करें। मैं कहानी कह रहा था, दो फ्रेंड्स थे म्यूजिक सीखना चाहते थे, गुरुजी के पास पहुंचे तो गुरुजी बोला ठीक है मैं सिखा दूंगा। तो गुरुजी बोला कि कल से अपना तुम जो अपना जो सिंगिंग का वो है, म्यूजिक का जो इंस्ट्रूमेंट है वो लेके आ जाना। तो वो बोले कि गुरुजी हमारे पास तो वो है नहीं, हमारे पास तो पैसे है नहीं, हम तो नहीं खरीद सकते। तो गुरुजी बोला कि सिखा तो दूंगा, कला तो मुझे आती है लेकिन है तो मेरे पास भी नहीं। लेकिन वो दोनों दोस्त जो थे उनको सीखना तो था, तो दोनों दोस्त ने आपस में बात किया कि क्या समाधान निकालें। तो उनमें ये फाइनल हुआ कि एक दोस्त ने बोला कि कोई बात नहीं, मैं 5 साल तक मेहनत करता हूँ, गिट्टी तोड़ता हूँ, कोई मजदूरी करूंगा, मैं पैसे कमाऊंगा, उस पैसे से हम वो खरीदेंगे इंस्ट्रूमेंट, तुम सीखो और 5 साल बाद हम चेंज कर लेंगे, 5 साल बाद मैं सीखूंगा तुम मजदूरी करना। तो ये एक तरीका उन्होंने ढूंढा, शुरू हो गया। एक ने अपना मजदूरी शुरू कर दी, काम शुरू कर दिया, पत्थर तोड़ता था। तो एक संगीत सीखना शुरू कर दिया, दूसरा पत्थर तोड़ना शुरू कर दिया। 5 साल पूरे हो गए। तो जो संगीत सीखता था वो अपने दोस्त के पास गया, उसके हाथ जोड़े, बोला मित्र तेरी वजह तुम्हारी वजह से मैं सीख पाया, मैं सीख भी लिया हूँ, 5 साल पूरे हुए वादे के मुताबिक, अब तुम्हारा सीखने का टाइम शुरू होता है और मेरा पत्थर तोड़ने का टाइम शुरू होता है। तो वो जो पत्थर तोड़ता था उसका दोस्त, उसने उसको अपने हाथ दिखाए, बोला कि यार देखो अब ना मेरे जो हाथ है ना वो पथरीले हो चुके, अब मेरी जो संगीत सीखने की संभावना है वो खत्म हो चुकी है जिंदगी में, क्योंकि संगीत के लिए ना बहुत मुलायम हाथ चाहिए, ये पथरीले पत्थर तोड़ते तोड़ते हाथ ना पथरीले हो गए, अब ये हाथ ना म्यूजिक नहीं सीख पाएंगे। ठीक उसी तरीके से ना हम लोग की जो लाइफ होती है, ये जो स्पिरिचुअल प्लेजर है, मैं वर्ड यूज करता हूँ प्लेजर, क्योंकि ये प्लेजर है और ये हाईएस्ट प्लेजर है। हम में से कुछ लोग ऐसे रास्ते पे चलते हैं ना जहाँ पे हमारे हाथ ना पथरीले हो जाते हैं, और जब हाथ आपके पथरीले हो गए तो आप ये जो प्लेजर है, ये जो संगीत है, क्योंकि ये हाथ से नहीं बजता, इसके लिए हमारी पर्सनैलिटी चाहिए होती है, इसमें लोच चाहिए होता है। सो बहुत से लोग की जिस रास्ते पे वो चलते हैं ये संभावना खत्म हो जाती है।